अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ईसा मोबाइल्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं ईसा खान। दोस्तों आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस के साथ, एक बहुत ही नए डिवाइस के साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान में आज तक कोई भी बंदा लेकर नहीं आया, आज हम पहली दफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, आज एक बहुत ही यूनिक डिवाइस मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, सोनी एक्सपीरिया 5 Mark IV। इससे पहले तो 5 Mark II और 5 Mark III हमने देखा था, आज हम लेकर आए हैं सोनी एक्सपीरिया 5 Mark IV, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। इन दो कलरों में है मेरे पास। इसकी आप फिनिशिंग चेक करें, बहुत ही एक यूनिक किस्म का ये मॉडल है। ये आप देख सकते हैं सोनी एक्सपीरिया 5 Mark III, इसको आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कर्व है ना, और 5 Mark II भी हल्का सा कर्व दिखता है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल प्लेन बनाया हुआ है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, ये डबल सिम में है और ये PTA अप्रूव हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ अभी वीडियो में शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अगर आप देख रहे हैं अभी तक तो एक लाइक तो ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इसकी आप लुक चेक करें। तो इसकी मैं सबसे पहले जो बॉडी की बात करूँगा, बॉडी इसकी है 172 ग्राम इसका वज़न है, और फ्रंट और बैक पर गुरिल्ला ग्लास विक्टस लगा हुआ है, एल्युमिनियम का इसमें फ्रेम है। इसके अलावा ये जो मोबाइल लॉन्च हुआ है 1 September 2022 को ये लॉन्च हुआ है, तकरीबन आज से कोई 1.5 साल पहले की इंशाल्लाह होगा, और डुअल सिम इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा इसके अगर हम कैमरों की बात करें तो ये तीनों जो है 12-12 MP के बहुत ही शानदार कैमरे हैं। इसकी हम थोड़ी बहुत इसकी तस्वीर भी आपके सामने ही हम चेक करेंगे, क्योंकि अब मैंने अभी तक भी इसको खोला वगैरह नहीं है। मैं जैसे लेकर आ गया मैं बस वीडियो बनाने के लिए बैठ गया, ठीक है। कैमरे जो इसके हैं 12-12 MP, जो एक कैमरा तो है 12 MP 24 mm वाइड एंगल के लिए फ़ोटो लेता है, और एक 12 MP 60 mm पर टेली फोटो, और एक जो है 12 MP 16 mm अल्ट्रा वाइड। और इसमें जीस कंपनी के वो लगे हैं, मतलब कैमरे लगे हुए जीस के, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरे होते हैं। और ये जो है पेनोरामा HDR और आई ट्रैकिंग वाली टेक्नोलॉजी भी इस कैमरे के अंदर है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो जो 5 Mark III और 5 Mark II में तो 8 MP का होता था, इसमें जो है 12 MP का, बहुत ही शानदार कैमरा है, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है। और इसकी डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसका जो डिस्प्ले है OLED डिस्प्ले है, जो आप यकीन नहीं करेंगे, ये मोबाइल जब आपके हाथ में होगा ये और 5 Mark III को मैं ऑन करता हूँ, अगर इसमें चार्ज था तो इसमें तो चार्ज नहीं है, सॉरी। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें शायद चार्ज होगा, इस हाँ इसमें है। तो इसका जो स्क्रीन है, इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही एक यूनिक किस्म की इसका डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो डिस्प्ले है OLED कलर है, OLED डिस्प्ले 1 billion कलर्स के साथ 120Hz की इसके डिस्प्ले है, और HDR BT 2020 और 6.1 inch का इसका डिस्प्ले है। इसमें ये मतलब ये जो जैक दिया हुआ है, क्या नाम है, एंट्री का, ये भी बहुत अच्छा है, गेम जो लोग खेलते हैं। और ये जो डबल सिम की स्लॉट है ये लगा हुआ है, और टाइप सी पिन जो है वो फास्ट चार्जिंग है, मोबाइल सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें और रैम, तो मैं अभी आप लोगों के सामने देखता हूँ इसकी रैम और इसकी मेमोरी कितनी है। सबसे पहले हम इसका रैम चेक करेंगे, मैं जैसे इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके से आप लोग इसका तरीका भी सीख लेंगे। इसका जो रैम है 8 GB की रैम है, और मेमोरी की भी बात अभी करते हैं, किधर गया मेमोरी, आई है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे। 128 GB की मेमोरी है,
और इसका जो स्नैपड्रैगन है 8 Gen 1 4nm वाला, इसमें स्नैपड्रैगन लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त स्नैपड्रैगन है। डिस्प्ले में इसका कोई शेड नहीं है और इसमें कोई डॉट इस मोबाइल में नहीं है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है 5000 mAh इसमें बैटरी लगी हुई है। अभी इसके कैमरे को भी थोड़ा बहुत खोलते हैं, देखते हैं कि इसका कैसा कैमरा। और इसमें एक और वो है, पहले जो मोबाइल थे सोनी एक्सपीरिया 5 Mark III और 5 Mark II में वो जो आता था कि कैमरा प्रो वाला इधर वो आता था एप्लीकेशन, तो इसमें जो है वीडियो प्रो भी है। वीडियो प्रो तो जो लोग मूवीज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं या कोई व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों की इस चीज़ की बहुत अच्छी समझ है। इसका हम वो भी चेक करते हैं कि इसका 7.5 तकरीबन, हाँ 7.5 तक इसमें जूम है। इसका जूम भी हम लोग चेक करते हैं कि इसका जूम कैसे है। वाह, बहुत ज़बरदस्त इसका जूम है, चेक करें आप लोग। ये ले, इतना दूर है और जब हम इसको करीब करते हैं तो कितनी सफाई के साथ ये जूम करता है मोबाइल को, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये लो, हमने अभी इसका आप लोगों के सामने तस्वीर लिया है, चेक करें। इसका जो कैमरा है इस मोबाइल का बहुत ही कमाल का इसका कैमरा है, और इसको एक करीब से भी इसकी इसमें तस्वीर खींचते हैं। ये जो हमारा नया स्टॉक है सोनी एक्सपीरिया 1 का, उसकी मैंने इसमें तस्वीर ली है, आप देख सकते हैं इतनी सफाई के साथ इसका तस्वीर आता है। और वीडियो प्रो को हम चेक करते हैं कि इसमें है क्या। वीडियो प्रो, क्या हो गया, ये वीडियो प्रो इसमें खुल गया है। तो आप यहाँ पे देख लें, इसमें इसमें ऐसी सिस्टम है जो लोग मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उन लोगों को इस चीज़ का पता है, मुझे तो इसका इलम नहीं है। मैं अपनी तरफ से ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा है तो ऐसा है। बहरहाल इसकी डिस्प्ले और इसका जो लुक है बहुत शानदार है, इसके जो कैमरे बहुत शानदार है और स्नैपड्रैगन, ये बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लेकर आए, तो इसका मैं आप लोगों को रेट भी बताता हूँ और इसका जो PTA ओरिजिनल टैक्स है वो भी बताता हूँ। इसका जो टैक्स है वो 12,000 रुपये है, आप ख़ुद भी टैक्स जमा करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, हम आपके लिए टैक्स पे करें तो हम कर लेंगे। और इसके अलावा अभी हम इसका आपको रेट बताते हैं, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 68,000 रुपीज़ का। जैसे हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी इसकी 25,000 रुपये से ऊपर नहीं होगी, 43,600 रुपये आप लोगों को पहले देना होगा नॉन PTA के लिए, और अगर PTA अप्रूव करना पड़ेगा तो उसके लिए जो 11,800 रुपये तकरीबन इसका टैक्स है वो अलग से पे करना होगा। तो 43,600 रुपये इसके लिए पहले देने हैं, बाकी इंशाल्लाह इसको हम 25,000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी में देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।